इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जिसकी वजह से इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस भी चेंज हो चुका है। तो गाइज, वेलकम बैक टू वन सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस और आज हम इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल से इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस देखने वाले हैं, जहां से हम 5 मिनट में बिल्कुल फ्री में अपना नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है इनकम टैक्स का नया पोर्टल। हमें यहाँ पर सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएंगी। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर इंस्टेंट ई पैन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे। हम इस वाले टैब पर आ जाएंगे। ई पैन बनवाने का प्रोसेस इजी एंड पेपरलेस है। आपको ये 10 मिनट में मिल जाएगा। जो फिजिकल पैन कार्ड की वैल्यू है, इसकी भी वही वैल्यू होगी। ई पैन के लिए हमारे पास एक आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है हमारे ओटीपी के लिए। हमें यहाँ पर दो टैब देखने के लिए मिल जाएंगे। हम यहाँ से न्यू अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू ई पैन अप्लाई करने के लिए हम गेट न्यू ई पैन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ओटीपी सेंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा। हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। हमारे फोन पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी आधार कार्ड से लिंक है उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे और टर्म को एक्सेप्ट करके यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। यह हमारी पर्सनल डिटेल्स ले लेगा, जैसे कि हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी अगर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, वरना आप लिंक ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी टाइप करेंगे जो भी आप अपने पैन कार्ड से लिंक कराना चाहते हैं और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी वैलिडेट हो जाएगी, इसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू। हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, इसको आप कॉपी करके रख लीजिए। हम फिर से incometax.gov.in वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे। हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी हमारा आधार कार्ड से लिंक है उसको हम यहां पर टाइप करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे ई पैन का स्टेटस पेंडिंग है, हमारी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है। जब आप थोड़ी देर बाद फिर से यहां पर आएंगे तो ये अप्रूव होने के बाद आपको यहां पर ई पैन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद जब आप चेक करेंगे आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएंगे, व्यू ई पैन और डाउनलोड ई पैन। आप यहाँ से अपने पैन को व्यू कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। हमारा ई पैन एक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। हमारे सामने हमारा पैन कार्ड आ जाएगा। यह है हमारा डिजिटल पैन कार्ड और इसकी वैल्यू हमारे फिजिकल पैन कार्ड जैसी ही है। इसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। हमारा ये डिजिटल ई पैन हम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी हम इसकी फोटोकॉपी कराकर कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद फिजिकल पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें 50 रुपये पे करने होंगे और हमारा फिजिकल पैन कार्ड भी हमें मिल जाएगा। फिजिकल पैन कार्ड ऑर्डर करने का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।